हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिकी किचन। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके लिए, और आज बनाने जा रही हूँ मैं मसाला टिंडे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, अगर एक बार आपने बना ली तो आप बार बार बनाना चाहेंगे इस सब्जी को। तो चलिए सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये आधा केजी टिंडे लिए हैं, और एकदम कच्चे टिंडे हैं बिल्कुल। आप एकदम नरम और कच्चे टिंडे लीजिए, तभी अच्छे बनेंगे। तो इनको मैंने अच्छे से धो लिया था, काट लिया है, छील लिया है, और अब बस मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो कढ़ाई आप कोई सी भी ले लीजिए। तो इसमें मैंने डाल दिया है ये ऑयल, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मसाला टिंडे अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है फ्रेंड्स, तभी ये सब्जी हमारी टेस्टी बनती है। लेकिन अगर आप थोड़ा कम खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, कम तेल में भी बन जाती है। तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे, वेट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हमने डाल दिया इसमें हींग। हींग आप थोड़ा कम गर्म हो तभी डालें, हींग जल जाती है। और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है हाफ स्पून जीरा। स्पून मैंने वही एक सेट कर रखी है मसाले की, तो हर बार मैं इसी से मसाले डालती हूँ। तो इसमें जीरा भी अच्छे से चटक गया है। अब इसके बाद डालूंगी मैं एक स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब एक ही स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा इसमें मसाले भी ज़्यादा ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर मसाले में ही हम बना रहे हैं टिंडे, इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। और इसके बाद ये हरी मिर्च थोड़ी डालकर मैंने थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और चलाने के बाद इसमें बस टिंडे डाल देंगे हम ये। अब टिंडे डालने के बाद इसको अच्छे से इसको चला लेंगे करछी से, आधा एक मिनट तक इस तरीके से हम चला लेंगे। अभी मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है, लाल मिर्च हम थोड़ा बाद में डालते हैं। अब मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगी। अगर पहले मसाले में थोड़ा सा डाल देते हैं तो जलने का चांस रहता है, तो ऊपर से मैं लाल मिर्च डालूंगी इसमें। ये लाल मिर्च डाल दी है, और लाल मिर्च काफ़ी तीखी है, तो मैं थोड़ी ही डाली है। आप जितना तीखा पसंद करते हो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। और लाल मिर्च डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच सौंफ का पाउडर। मसाला टिंडे बना रहे हैं तो सौंफ का पाउडर तो पड़ेगा ही, इससे ही जो असली टेस्ट है वो सौंफ पाउडर से ही आता है। तो आप डाल देंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मसाले आप थोड़े बहुत कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मसाले आप इसमें सभी डालिए। और आप इसको चलाएंगे से 2 मिनट तक, इस तरीके से आप चलाएं पहले, अच्छे से इसमें मसाले की कोटिंग हो जाती है और थोड़ा सा अच्छे से रोस्ट भी हो जाते हैं ये। तो मैं 1 से 2 मिनट तक इसे चलाऊंगी। इतनी टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, अगर आप एक बार बना लेंगे पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ है, कि आपको जो नॉर्मल सब्जी होती है उसे थोड़ा सा हटकर होती है ये, क्योंकि इसमें मसाले का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। ये पूरी पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन टिंडे एकदम आपके कच्चे होने चाहिए। अगर पके टिंडे होंगे तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा फिर। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 1-2 मिनट चलाने के बाद, अच्छे से हमारे ये मसाले में रोस्ट हो गए हैं थोड़े। तो अब इसको कवर करने के बाद मैं इसके ऊपर एक पानी का बर्तन भी रखूंगी। वैसे तो ये टिंडे कच्चे हैं, अभी थोड़ी देर में पानी छोड़ जाएंगे, लेकिन बाई चांस इस पानी का बर्तन हम इसीलिए रखते हैं, कोई भी सूखी सब्जी बनाते हैं जिससे वो नीचे हमारी जलेंगी। तो अब थोड़ी देर बाद इसे चेक करते हैं, और बीच बीच में आप इसे चेक करते रहिए। तो मैं इसे थोड़ी देर बाद देखती हूँ कि अभी ये कुक हुआ है कि नहीं। तो इसे करीबन 5 मिनट हो गई थी, तो अब 5 मिनट बाद मैं इसे एक बार चेक कर देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है, देखने से ही मुँह में पानी आ रहा है एकदम। और टिंडे एकदम कच्चे थे, एक भी बीज नहीं था इसमें, तो ये ऑलरेडी इतना पानी छोड़ गए हैं। अभी पूरी तरीके से हमारी सब्जी लगता है कुक नहीं हुई है, टिंडे अभी थोड़ा सा हार्ड लग रहे हैं मुझे, तो इसको चेक कर सकते हैं आप। हल्का सा टिंडा प्रेस करके देखिए, अभी जो मैं प्रेस कर रही हूँ तो हल्का दब रहा है मेरा, लेकिन अभी पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो अभी इसको कवर कर देंगे, और अब इसके ऊपर हमें पानी का बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पानी इसमें है। तो फिर थोड़ी देर बाद चेक करते हैं इसको, 2 से 3 मिनट बाद आप फिर चेक करिए।
इस सब कढ़ाई में जब भी आप सब्जी बनाएं फ्रेंड्स, बीच बीच में आप चेक करते रहिए, चलाते रहिए, तभी कढ़ाई की सब्जी अच्छी बनती है। एक बार अगर आपने रख दिया और चला दिया तो उसमें उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। आप देखिए अब हमारी सब्जी पूरी तरीके से कुक हो चुकी है। ये देखिए अब हम इसको दबा रहे हैं तो ये अच्छे से दब रहा है। अब ये टिंडे पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं। देखने से कितने बढ़िया लग रहे हैं, एकदम एकदम मसाला इसमें आपको दिख रहा है एकदम। तो अब चलिए इसको सर्व करने की तरफ चलते हैं। सब्जी बनकर तैयार है हमारी, एकदम हलवाइयों वाली सब्जी बनी है, देखने से ही आपको लग रहा होगा। तो ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। थोड़ी सी धनिया पत्ती मैंने इसमें डाल दी थी और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। अगर आप एक बार बना लेंगे तो आप पनीर खाना भूल जाएंगे सब्जी के आगे। एक बार इस सब्जी को ट्राई करके जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा।